नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, भारतीय वन्यजीव में जो खुशी की बात है वो ये है कि भारत की धरती पर अब चीते की दहाड़ भी करीब 70 साल के बाद सुनाई देने लगी है। नामिया से 8 चीतों का एक समूह मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में ला के रखा गया है, लेकिन अभी ये बहुत इनिशियल टाइम है इसलिए ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं बताया जा सकता। लेकिन चीतों के बारे में कुछ हम फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्राका से हुई है, जिसका अर्थ है चितकबरा। 70 साल के बाद चीता अपने पूर्वजों की धरती पर वापस आया है और इस समय वह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कूनो में आराम कर रहा है। उसे कड़ी निगरानी के बीच रखा गया है और उनका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। बिल्ली के कुल से आने वाला चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। यह एसिनोनिक्स प्रजाति के अंतर्गत रहने वाला एकमात्र जीवित सदस्य है जो कि अपने पंजों की बनावट के रूपांतरण के कारण पहचाने जाते हैं। इसी कारण यह इकलौता विडाल वंशी है जिसके पंजे बंद नहीं होते हैं और जिसकी वजह से इनकी पकड़ कमज़ोर होती है। चीते से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां हैं, जैसे वह शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं पाता है, वह केवल गुर्राता है। रफ्तार का बादशाह चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार चीता पृथ्वी पर रहने वाला सबसे तेज जानवर है। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो वह 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है, यानी 23 फुट लंबी छलांग, और चीता 100 मीटर की रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में हासिल कर लेता है। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 5 से 6 सेकंड का समय लेती है। हालांकि चीता अपनी ये रफ्तार ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता है। उसके पास अपने शिकार तक पहुंचने के लिए केवल 20 सेकंड होते हैं, उसके बाद वो थक कर अपनी रफ्तार कम कर लेता है या रुक जाता है। चीते के लिए रात में देखना मुश्किल होता है, इसीलिए वह केवल दिन में ही शिकार कर पाता है। चीते की वंश वृद्धि की बात करें तो इनके बच्चे बहुत मुश्किल से बचते हैं। 100 में से केवल 5 से 10 बच्चे ही वयस्क होने तक जिंदा रह पाते हैं। मादा चीता एक बार में 8 से 9 बच्चे को जन्म देती है, जिसे केवल मादा चीता ही पालती है। चीता केवल दिन में ही शिकार कर पाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी मादा चीता को इतने बच्चों को एक साथ पालना कठिन कार्य हो जाता है। बच्चों की सुरक्षा, बाहरी शिकार से बच्चों को बचाना और पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण इन बच्चों में सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाती है। लेकिन कूनो नेशनल पार्क में इस तरह के उन्हें किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके शिकार के लिए यहाँ पर पर्याप्त जानवर हैं और उनकी सुरक्षा का यहाँ पूरा बंदोबस्त किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इनके कुनबे बढ़ेंगे और भारत के दूसरे स्थानों पर भी वे पहुँचेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं देते हैं विराम। जल्दी ही हम आपको किसी और सेंचुरी में ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।